चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम हमारे इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यू समझ लीजिए कि इंडेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किस तरह से इंडेस चलते हैं बहुत सारे हमें 109 में समझने को मिलेंगे अपने आप में इंडेस 109 जीरो नाइन इज़ वन ऑफ द लेंदीएस्ट ऑफ़ द स्टैंडर्ड्स तो ये चैप्टर हमारे लिए यूँ समझ लीजिए कि इट विल बी वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर्स विच विल हैराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट और मैं फास्टर बैच में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को लॉजिकली कनेक्ट करके इसे समराइज करके एक लॉजिकल फॉर्म में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा सो दैट वॉट अपन जिस कम समय में अपन इसके पूरे कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सके यू विल नॉट मिस आउट ऑन इवन अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियस

दिस लेक्चर वुड बी ऑफ यूज टू यू तो हमारी एफ आर फास्टर की बुक में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर में यू हैन जीरो नाइन वन इसको मैंने लॉजिकली कुछ पंद्रह पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसका एक लॉजिकल फ्लो बनाया है और उसी को चार्ट फॉर्म में और फिर आगे अपन ने एक्सप्लेन किया है अभी अपन इस पर्टिकुलर किताब के ऊपर आएंगे उससे पहले आई विल लाइक टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्टर आई विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सम काइंड ऑफ अ लॉजिकल कनेक्टिंग फ्रेमवर्क फॉर यू आप इसे बोलने के लिए एक माइंड मैप बोल सकते हो आप कहने के लिए एक वॉक थ्रू थ्रू इंडेस वन जीरो नाइन कह सकते हैं चलिए तो लेडो स्टार्ट विद आवर डिस्कशन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डे वन जीरो नाइन यूजअली फास्टर बैच में सारी चीजें आपको किताब में रिटर्न है यू डोंट है सच यानी कॉपी की अपने को ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों लेकिन दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू ड्रॉ आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ड्रॉ एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट हालांकि ये जो मैं ड्रा करूंगा ये आपके साथ एल एम एस के थ्रू अदरवाइज शेयर भी कर दिया जाएगा तो यू कैन सिंपली टेक अ प्रिंट आउट ऑल्सो बिफोर सीइंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट यू कैन ऑल्सो इट फ्रॉम देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों इंडियज थर्टी टू हमने डिस्कस किया इंडियाज थर्टी टू का एक रिविजन लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है टू समराइज द होल इंडियाज इंडियज थर्टी टू में प्राइमरिली अपन ने एक चीज देखी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट है लेट्स से होल्डर के लिए फाइनेंशियल असेट है और ईशर के लिए इट इज़ अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इसका मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग पढ़ना है तो मैं होल्डर की बुक्स में फाइनेंशियल असेट की अकाउंटिंग और ईशर की बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग पढ़ लूँ या ईश्वर की बुक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग पढ़ लो लेकिन मैंने आपको बताया था 32 में कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग एज सच कहीं प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो इफेक्टिवली मुझे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगी तो वॉट आई सेज दैट वेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आई एम वन टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल असेट विच इज फॉर द होल्डर एंड आई कैन से दूसरी पार्टी के लिए इट विल बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी मैंने कहा कि के साथ-साथ हो सकता है कि ये अपने आप में एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो लेकिन मैंने कहा कि यार इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि इसकी अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं है बट आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको इंडेस 32 में बताया था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की है लेकिन एश्योअर के लिए कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का कॉम्बिनेशन होते हैं जिसे हम लोग इस इंडेस में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इफेक्टिवली जो मुझे अकाउंटिंग पढ़ना है वो अकाउंटिंग किसकी पढ़ना होगी I will have to essentially study accounting of either a financial asset or a financial liability or a compound financial instrument. In 32 study two में मैंने definition में आपको एक चीज और बताई थी. Definition में आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि financial asset की परिभाषा में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशंस तो ये फाइनेंशियल असेट होगा और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी मैंने आपको बताया था 32 में कि नॉर्मली जो हम डेरेवेटिव नेचर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आप आज कॉन्ट्रैक्ट करते हो फ्यूचर डेट पर कोई चीज खरीदने का और उसमें नेट सेटलमेंट की बात करते हैं कि भाई मेरे पास ऑप्शन है हमने एग्जाम्पल लिया था दा ने कहा है कि मैं छह महीने बाद आके आपसे एक किलो गोल्ड लूंगा और मैं चाहूं तो यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं अगर कैंसिल किया तो जो गोल्ड की प्राइस में फ्लक्चुएशन आया है वो अपन कैश में सेटल कर लेंगे अब सपोज मेरा इंटेंशन एक्चुअल में कैश में सेटल करना ही है तो मैं क्या बोलूंगा मैंने आपसे सपोज थर्टी लैक्स में वन के गोल्ड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर प्राइस थर्टी फाइव हो गई तो मैं बोलूंगा बल्ले बल्ले तीस लाख ,00 रुपए देके मैं थर्टी फाइव लैक्स की चीज ले रहा हूं यानी पांच लाख रुपए में आपसे नेट रिकवर कर लूंगा या आपको तीस दे के गोल्ड लेके पड़ोस की दुकान में पैंतीस में बेच दूंगा इफेक्टिवली पांच लाख का गेन प्राइस गिर गई तो हो सकता है लॉस यानी आप बताओ ये फाइनेंशियल असेट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी या समय बताएगा और अगर ये समय बताएगा तो इसका मतलब दिस कुड बी अ फाइनेंशियल असेट और अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी लेट से सच इंस्ट्रूमेंट्स वी विल अकाउंट फॉर एज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पता नहीं है किस तरफ जाएंगे गेन की तरफ असेट की तरफ या लॉस की तरफ लाइबिलिटी की तरफ वी डोंट नो बट अपने आप में कह सकते हैं कि इसकी भी अकाउंटिंग तो करना होगी तो ये होगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और अब आप एक चीज समझिए कि हो सकता है कि मैं कोई एक फाइनेंशियल असेट लूं और उस फाइनेंशियल असेट में एक डेरिवेटिव एलिमेंट को इनबिल्ट कर दूं जैसे समझना बहुत ध्यान से मैंने आपसे एक रिडीमेबल डिबेंचर खरीदा मेरा फाइनेंशियल एसेट आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी लेकिन मैंने आपसे एक कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा है अब आप समझना आपके लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि के लिए ये इक्विटी भी है क्योंकि ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में और लाइबिलिटी भी है क्योंकि इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है कैश आपके लिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्या है ये तो फाइनेंशियल असेट है क्यों क्योंकि मुझे इस डिवेंचर के बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में इक्विटी शेयर्स मिलेंगे बट वेरी ऑनेस्टली अगर आप समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मुझे इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं सही मायने में ये एक तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है हालांकि कैसे ये डेरिवेटिव नेचर के इंस्ट्रूमेंट हुए अगर ड्यू डेट पर इक्विटी शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ गई तो मेरे बल्ले बल्ले पैसे कमा लूंगा अगर वैल्यू बहुत गिर गई तो लॉस हो जाएगा आपने सुना होगा गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड की रेट्स के फ्लक्चुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है ऐसे देखा जाए तो ये एक फाइनेंशियल असेट है बट इसमें एक एलिमेंट आ गया हार जीत वाला ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है फाइनेंशियल असेट्स विच हैव सम एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डेरिवेटिव एम्बेडेड कंबाइंड क्लब तो दोस्तों कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर के लिए बोलते हैं इक्विटी प्लस लाइबिलिटी क्योंकि दो नेचर के इंस्ट्रूमेंट उसमें आ गए लेकिन होल्डर के लिए अगर कोई फाइनेंशियल असेट है कैश मिलनी है तो भी फाइनेंशियल असेट है इक्विटी शेयर मिलने है, तो भी फाइनेंशियल असेट है लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है जिसमें आपको अल्टीमेटली मिलना है कैश या शेयर्स हैं लेकिन आपको लगता है आगे जाके समझ में आएगा, लेके फायदा अगर मैं एक शेयर मात्र खरीदता हूँ तो ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल क्योंकि इसका ही क्या है? पर जब आप एक गोल्ड बॉन्ड लेते हो तो ये कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है मिलावट मिला हुआ है क्यों क्योंकि गोल्ड बॉन्ड यानी मेरी इच्छा थी फिक्स इंटरेस्ट और इसमें जोड़ दिया मैंने एक पटिशियन तो इसको अपन डिटेल में समझेंगे कि किन चीज़ों को एम्बेडेड डेरिवेटिव क्लासिफाई किया जाता है और वहां पे अपन डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें डेरिवेटिव एलिमेंट होता है पर वो एम्बेडेड डेरिवेटिव नहीं है सिंपल फाइनेंशियल एसेट है कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें डेरिवेटिव एम्बेड होता है जिस कारण से वो एम्बेडेड डेरिवेटिव कुड बी अ फाइनेंशियल एसेट और अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी सो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ इस इंडियस में हमारा डिस्कशन एक्सटेंड होगा एम्बेडेड डेरिवेटिव, विच विल बी बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद समेरीवेटिव कॉम्पोनेंट इन बिल्ट स्पेशल कैटेगरी ऑफ डिस्कशन और दोस्तों आप बताइए डेरिवेटिव यानी कि शर्त हम क्यों लगाते है? रोमांच के लिए एक एक्सपेक्टेड गेन लॉस के लिए यही हमारा ऑब्जेक्टिव है शर्त लगाने का लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने शर्त लगाई हो रोमांच के लिए नहीं रोमांच कम करने के लिए मतलब मुझे लगता है यार डॉलर की कीमतें बढ़ जाएगी अपन डोनाल्ड ट्रंप साहब के हार्ड कोर फैन है एकदम यार क्या बंदा है बिना कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज के बन गए बढ़िया प्रेसिडेंट बोला यार बहुत बढ़िया तो हमें बहुत पसंद है तो हमें लगता है डॉलर तो इम्प्रूव होगा आगे जाके और बढ़ेगा तो आप बताइए आपको क्या करना चाहिए आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए डॉलर खरीदने का आपके लिए ये डेरिवेटिव है क्यों क्योंकि इसके गेन लॉस के फ्लक्चुएशन से आपको हारिया जीत का अनुभव होगा लेकिन आप एक चीज समझिए हो सकता है कि आप कोई गुड्स इंपोर्ट करने वाले हैं या कोई गुड्स इंपोर्ट कर चुके और उसका छह महीने बाद पेमेंट करना है अब छह महीने बाद आपको पेमेंट करना है तो डॉलर देना पड़ेंगे तो आज आपने छ महीने बाद बैंक से डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने छह महीने बाद जो बैंक से डॉलर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे आपका मोटिव स्पेकुलेटिव नहीं है इनफैक्ट एक स्पेकुलेटिव गेन लॉस को हेच करना है यानी प्रैक्टिकली ये इंस्ट्रूमेंट आपने जो बैंक से आगे जाके डॉलर खरीदने की बात की है ये खरीदने का आपका उद्देश्य बेसिकली डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएशन से गेन लॉस कमाना नहीं है इनफैक्ट जो मेरी डॉलर लाइबिलिटी है उसके प्राइस फ्लक्चुएशन के गेन लॉस को इंश्योर करना है दैट मींस आई मे हैव अनादर यूज ऑफ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ हेज विच इज नोन हेजिंग और दोस्तों इस तरह से I can say these are all the topics which are basically covered under financial instruments. इसके अलावा financial instrument कुछ special और miscellaneous topics की बात करते हैं, जो एक-एक करके अपन discuss करेंगे, जिसमें topics like collateral security अगर दिए तो कैसे accounting हो सकती है, there is a concept of regular way purchase sale, उसकी accounting कैसे होगी? देर इज समाउं प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट डिविडेंट कॉस्ट इस तरह की चीजों की अकाउंटिंग कैसी होगी ये आपका ऑल इन ऑल इंडिया आई होप इस पूरे डिस्कशन में लेट इस गो बैक टू द बेसिक डिस्कशन क्योंकि अब हम इसमें जितना अंदर जाते जाएंगे कॉम्प्लीकेशन उतने बढ़ते जाएंगे तो लेट इस टॉक अबाउट टू कोर थिंग्स फर्स्ट टू बिगिन विद फाइनेंशियल एसिड एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी ठीक है सिंपल सा केस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक के लिए फाइनेंशियल एसेट है दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो अभी मैं बात करता हूं होल्डर की होल्डर के लिए ये अपने आप में एक फाइनेंशियल असेट है होल्डर इन्वेस्टर जो कहना चाहे हमारे लिए ये एक फाइनेंशियल असेट है अब मैं इस फाइनेंशियल असेट को अकाउंट फॉर किस पे करूं तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज तुमने अभी तक तो समझ ली होगी ग्यारहवीं से कॉमर्स पढ़ के या सीपीटी से कॉमर्स पढ़ के कि नॉर्मली चीजों को रिकॉर्ड करने के दो ही तरीके होते हैं एक कॉस्ट तो दूसरा फेयर वैल्यू सो वी प्रमेरली हैव टू मेथड्स अस से कॉस्ट अस से फेयर वैल्यू नॉर्मली अभी तक अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या देखा है कि हम लोग प्रमारली कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं तो हम प्रमैरली इंडिया में देखा जाए तो कॉस्ट अप्रोच ही फॉलो करते हैं लेकिन इंडेस में ऐसा ज़रा भी नहीं है इनफैक्ट इंडेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में तो फेयर वैल्यू अप्रोच ज़्यादा प्रेफर करता है बट एनी किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे तो उसके दो ही तरीके हैं या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो या फेयर वैल्यू पे बेसिक फंडा मतलब सपोज तुमने कोई सौ रुपए के गुड्स जुगाड़ में अस्सी रुपए में खरीद लिए एक तरीका कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलेगा अस्सी पे रिकॉर्ड करो दूसरा तरीका फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट बोलेगा सौ पे रिकॉर्ड करके बीस का गेन बुक कर लो फेयर वैल्यू में ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेटिज्म नहीं आएगी क्योंकि एक अनरियलाइज प्रॉफिट बुक हो जाएगा लेकिन फेयर वैल्यू में अगर कोई अनरियलाइज लॉस हुआ तो वो भी बुक होगा कॉस्ट में अगर, अगर अपन 100 की चीज 80 में खरीदेंगे तो 80 पे रिकॉर्ड करेंगे 110 पे खरीदेंगे तो 110 पे रिकॉर्ड करेंगे तो इफेक्टिवली ये दोनों मेथड हैं अलग अलग इनमें वैल्यूज अलग अलग आएंगी प्रॉफिट्स अलग अलग आएंगे यानी मैं कह सकता हूं कि प्राइमरीली फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। वन इज कॉस्ट एंड वन इज फेयर वैल्यू राइट अब मुझे एक बात बताओ कौन से मेथड में कॉस्ट यूज करना चाहिए और कौन से में फेयर वैल्यू ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा दैट मीन्स वेदर टू यूज कॉस्ट और टू यूज फेयर वैल्यू

अगला सवाल एक बार अपन ने चॉइस पढ़ ली फिर इसके बाद व्हाट वी विल हैव टू डिस्कस इज कि यार ये मेथड में अकाउंटिंग कैसे होगी। तो देखो अगर किसी भी एसेट को तुम्हें अकाउंट फॉर करना है एनी फाइनेंशियल एसेट फॉर दैट मैटर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सपोज एक डिबेंचर खरीदा पांच साल के बाद में ये डिबेंचर रिडीम हो जाएगा इसका मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो मैंने सौ रुपए का एक डिबेंचर आठ परसेंट इंटरेस्ट फाइव के बाद रिडीम होने वाला परचेज किया है राइट right? आइडियली आज की तारीख में मैं इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड करूंगा सौ रुपए पे आठ परसेंट इंटरेस्ट है तो हर साल आठ रुपए का ब्याज बुक करूंगा पांच साल बाद सौ रुपये रिडम्शन पर लेके फाइनेंशियल असेट डिबेंचर को कन्वर्ट कर दूंगा फाइनेंशियल असेट कैश में यानी आपने प्रमरिली अकाउंटिंग तीन स्टेज में पढ़ी इनिशियल डेट पे डिवेंचर कितने पे रिकॉर्ड किया ईयर एंड पर उसमें क्या अकाउंटिंग करी और आखिरी में जब डी रिकॉग्नाइज यानी सेल डिस्पोज या मेच्योर होकर रिडीम हो गया तब आपने क्या अकाउंटिंग करी इसका मतलब प्राइमारिली ये हो गया कि मेथड कोई भी हो हर मेथड में आपको अकाउंटिंग तीन स्टेज में पढ़ना पड़ेगी सबसे पहला स्टेज होगा हाउ टू इनिशियली लेट अस से दी इनिशियल रिकॉग्निशन वैल्यू दूसरा होगा ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट पे इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे लेट अस से सबसिक्वेंट मेजरमेंट और आखिरी होगा डी रिकॉग्निशन बेसिकली मीन जब ये रिडीम सेल डिस्पोज होगा तब क्या अकाउंटिंग करेंगे तीन समय पर मुझे अकाउंटिंग पता होना चाहिए राइट right? अब आप समझिए फेयर वैल्यू मेथड में मेरी अकाउंटिंग इनिशियल स्टेज पे सबसिक्वेंट स्टेज पे और डी रिकॉग्निशन स्टेज पर क्या होगी तीन स्टेज में मुझे अकाउंटिंग डिस्कस करना है आइडियली आपके हिसाब से इनिशियल स्टेज पे रिकॉग्निशन किस पे होना चाहिए तो आई शुड से कि इनिशियल स्टेज पे तो सर रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू मेथड है तो फेयर वैल्यू पे ही होना चाहिए सबसिक्वेंट स्टेज पे रिकॉग्निशन किस पे होना चाहिए तो मैं बोलूँगा सर सबसिक्वेंट स्टेज में भी फेयर वैल्यू मेथड है तो फेयर वैल्यू पे ही होना चाहिए फिर मैं कहूंगा कि यार डी रिकॉग्निशन किस पे होगा तो आप बोलोगे सर जिस दिन आपने अल्टीमेटली आपके असेट को रिडीम डिस्पोज सेल ऑफ कर दिया तो तो फिर हमें फेयर वैल्यू की मतलब ज़रूरत ही नहीं है हम तो बेसिकली सेटलमेंट प्राइस देख लेंगे सेलिंग प्राइस सेटलमेंट प्राइस जो भी कहना चाहे और उत्ते पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे यानी अब आप देखो दोस्तों हर स्टेज पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ गेन और लॉस इनिशियल डेट पे अगर आपकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू में फर्क हुआ तो गेन लॉस आएगा ईयर एंड पे अगर फेयर वैल्यू चेंज होगी तो गेन लॉस आएगा सेटलमेंट पे फिर वापस से गेन लॉस आएगा दैट मींस यू मे हैव गेन लॉस एट एवरी स्टेज और सवाल ये उठेगा कि ये गेन और लॉस कहाँ जाना चाहिए अब आप लॉजिकली मुझे सोच के बताओ कि मैंने फेयर वैल्यू मेथड यूज़ किया है और फेयर वैल्यू मेथड में ईयर एंड पर गेन और लॉस आया है तो ये गेन ऑल लॉस इंडेस के अनुसार कहाँ जाना चाहिए क्या ये पी ओर एल में जाना चाहिए ऑप्शन वन क्या ये ओ सी आई में जाना चाहिए ऑप्शन टू क्या ये सीधे रिजर्व्स में जाना चाहिए ऑप्शन थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत ऐसा सवाल उठता तो दो ही ऑप्शन होते पी एल या सीधे रिजर्व्स जैसे रिवैल्यूएशन करते थे तो सीधे रिवैल्यूएशन रिजर्व बना देते थे लेकिन सेला ऑफ पे प्रॉफिट होता था तो वो प्रॉफिट पीआरएल में जाता था अल्टीमेटली पीआरएल से वो आपके रिजर्व्स बढ़ाता था यानी सवाल ये है कि मेरा रास्ता क्या हो पीआरएल से रिजर्व्स या सीधे रिजर्व्स इंडेस में एक और रास्ता है ओसीआई से रिजर्व इनफैक्ट इंडेस में ओसीआई के रास्ते भी दो तरह के होते हैं एक ओ से हम जाते हैं पी एल में और दूसरा ओ से सीधे रिजर्व तब तो सवाल यह है कि गेन लॉस जाना का चाहिए अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो एक बात तो मेरे मन में आती है कि सर इसको पी में डालना सही नहीं होगा क्यों नहीं होगा पी में डालना सही क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है सर तो इससे बेजबरन या बेवजह मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तो फिर कहाँ डालना सही होगा सर मुझे लगता है ओसीआई में डाल देना चाहिए क्योंकि नई नई चीज़ें तो इसी में काम आ जाए नहीं तो सीधे ही रिजर्व में नहीं डाल देते दूसरा सर ओसीआई इसलिए क्योंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इससे क्या होगा ओसीआई स्टेटमेंट ऑन पी का पार्ट है तो इस बारे वो चीज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगी भी और लोगों को समझ में भी आएगा कि ये मेरी कोर इनकम नहीं है ये मेरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी अदर इनकम्स का पार्ट है इसका मतलब ये आइडियली कहाँ जाना चाहिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा कोर बिजनेस ही ऐसी एसेट्स में डील करना है जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है जैसे म्यूचुअल फंड का काम है हमारा हमारा तो दिन रात यही बिजनेस है भैया कि एसेट को खरीदो वैल्यू बढ़े बेचो यानी हम तो यही काम करते हैं तो फिर मेरे लिए अगर आपने इस तरह के गेन और लॉस ओसीआई में डाल दिए तो मेरा तो मेन और गेन और लॉस ही खत्म हो जाएगा हाँ यार ये बात तो सही बोल दिया आपने तो फिर ऐसे केस में गेन और लॉस कहाँ जाना चाहिए पी आर एल में इसका मतलब गेन और लॉस कहाँ जाएगा कैसे अकाउंट फॉर होगा ये जो डिस्कशन है ये डिपेंड करेगा कि हम मेथड कौन सा चूज करते हैं और दोस्तों फेयर वैल्यूएशन में अगेन यू हैव टू मेथड्स एक मेथड होता है जिसमें फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई से रूट होता है दूसरा मेथड होता है जिसमें फेयर वैल्यू गेन लॉस प्रॉफिट और लॉस से रूट होता है तो यहां पे वापस से फिर हमारे लिए चॉइस ऑफ मेथड की अकाउंटिंग एप्लीकेबल हो जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर गेन और लॉस आया तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन का गेन और लॉस कहां जाएगा कैसे अकाउंट फॉर होगा सेकेंड सबसिक्वेंट पीरियड में अगर गेन और लॉस आया तो वो कैसे अकाउंट फॉर होगा इसके लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई विल हैव टू बेसिकली रेफर टू टू वेरियस एंड नाउ आई हैव फेयर वैल्यू मेथड्स विच आर अवेलेबल विथ मी और एक फेयर वैल्यू मेथड को कहते हैं एफ सी आई फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कई लोग इसे एफटीओसीआई बोलते हैं इसमें फेयर वैल्यू ओसीआई से एडजस्ट होगी दूसरा होता है एफईटीपीएल इसमें फेयर वैल्यू के गेन लॉस पीआरएल से एडजस्ट होंगे और इन दोनों मेथड्स की वापस से फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगी चॉइस ऑफ मेथड कैसे होगा डेफिनेटली इन दोनों मेथड में अकाउंटिंग अलग-अलग होगी और जो लोग इंडेस समझते हैं वो समझ गए एफ ई ओ सी आई मेथड में भी देन आई हैव टू मेथड्स एफ ई सी आई एन आर और आर आर इज रिसाइकलेबल रिक्लासिफाइबल जिसमें मेरे प्रॉफिट्स ओ सी आई से पी एल में जाएंगे वहाँ से रिजर्व में जबकि एन आर में मेरे प्रॉफिट सीधे रिजर्व में जाएंगे विदाउट गोइंग थ्रू ओ सी आई यानी दोस्तों अब आप समझो हो क्या रहा है डिस्कस कैसे कर रहे हैं सबसे पहले आपको यह देखना है कि फाइनेंशियल असेट है या लाइबिलिटी या फिर वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव या हेच उसके बाद फिर आपको यह देखना है कि फाइनेंशियल असेट अगर है तो आपके पास दो चॉइस है या तो फेयर वैल्यू या कॉस्ट अगर फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं जो कि इंडिया अलाउ करता है तो सारी चीजें इनिशियली ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे मेजर होगी लेकिन डी रिक्निशन सेटलमेंट प्राइस पर होगा हर स्टेज पे गेन ऑन लॉस आएगा या तो ये गेन ऑन लॉस पी में जाएगा या ओसीआई में जाएगा इनिशियल रिकॉग्निशन का गेन और लॉस का थोड़ा सा और डिस्कशन बाद में होता है बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस विल बी ट्रांसफर समवेयर That will depend on other, again on the choice of your method, whether it is fair value through other comprehensive income or it is based on fair value through profit and loss. If it is through OCI, gain loss goes to OCI. If it is through PRL, it goes to PRL. That means profit or loss transfer Carnegie entry alagogi lakin valuation to be mecha fair value par hi hoga. But now the question is: I don't want to use fair value method, I want to use cost method. विल इंडेज गिव मी अ चॉइस सो आई विल से चॉइस ऑफ मेथड तो हम इंडेज में पढ़ेंगे बट जो भी तरीका हो चॉइस ऑफ मेथड का हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट मेथड में डेफिनेटली अकाउंटिंग ऐसी नहीं होगी सो हाउ डू आई अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन अंडर कॉस्ट मैथड तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉस्ट मेथड में भी मेरे लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एक इनिशियल रिकोगशन पे क्या वैल्यू लू दूसरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कितने पे करूं? तीसरा डी रिकग्निशन कितने पे होगा इनिशियल रिकोगशन किस पर होना चाहिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होना चाहिए और डी रिकग्निशन किस पे होना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले लेट अस होल्ड फॉर अ मोमेंट अब आप समझो यहाँ पे दो मिनट के लिए कॉस्ट मेथड का मतलब क्या हुआ मैं चीज़ों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं अब यहाँ पे क्या होता है इंडेस एसेंशियली कहता है कि अगर आप चीजों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं समझते हैं पहले अगर आप चीजों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या जो आपकी फाइनेंशियल असेट की कॉस्ट है ये वही पैसा है जो आपको मिलने वाला है या जो फाइनेंशियल असेट की आपकी कॉस्ट है इसके साथ आपको और ब्याज के रूप में कुछ कंपनसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलने वाला है जैसे कि उदाहरण के तौर पे डीप डिस्काउंट बॉन्ड सुने होंगे आपने डीप डिस्काउंट बॉन्ड में क्या करते हैं ज़ीरो परसेंट या जीरो कूपन डिप डिस्काउंट बॉन्ड में इन्वेस्टर एक बॉन्ड खरीदता है जिस बॉन्ड में उसको ब्याज ही नहीं मिलता तो ये डिवेंचर है विथ जीरो परसेंट इंटरेस्ट बट होता यह है कि ये डिस्काउंट में मिलता है तो समझिए सपोज आपको दस ग्यारह परसेंट ब्याज कमाना था तो आप आरबीआई के पास गए आरबीआई को बोला कि यार आपके पास है क्या कोई इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने बोला एक काम करो मेरा एक सौ रुपये का बॉन्ड दस परसेंट डिस्काउंट में नब्बे रुपये में खरीद लो ये डिस्काउंट पे मैंने जो बॉन्ड खरीदा आरबीआई का ये एक साल बाद मेच्योर होने वाला है तो इफेक्टिवली आज मैंने नब्बे रुपये दिए और साल भर बाद आरबीआई मुझे सौ रुपये दे देगा इफेक्टिवली मेरा ग्यारह परसेंट कुछ का जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज बन जाएगा मैंने आरबीआई को बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक यू वेरी मच दे दो अब आप बताइए आपने ये इन्वेस्टमेंट आज नाइन्टी रुपीज पे लिया है तो आपकी कॉस्ट क्या है नाइन्टी अब अगर मैं ये कह दूँ कि अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि इनिशियली मैंने इसे कितने पे रिकॉर्ड किया देखना है अभी आपको नाइन्टी पे अब समझो छह महीने बाद मेरा ईयर एंड आ गया तो मैंने बोला भाई कॉस्ट पे ही चलने दो नाइनटी पर जब डी रिक्नाइज होगा तब सौ रुपए मिलेंगे तो पूरे दस रुपए का आपका प्रॉफिट डी रिकग्नेशन का होगा जबकि मैं सही मायने में चाहता था कि पांच और पांच का प्रॉफिट बुक हो क्यों क्योंकि आफ्टर सिक्स मंथ्स आइडियली देखा जाए तो मैंने छह महीने तक होल्ड करके पाँच रुपये अक्रूवल बेसिस पे कमा लिया यानी ये बताओ ये नब्बे पे वैल्यू होना चाहिए था यहाँ पे या नाइन्टी फाइव पे बेहतर होता कि मैं नब्बे रुपए के डिवेंचर में पाँच रुपए का अक्रूवल बेसिस पे ब्याज बुक कर लेता आफ्टर सिक्स मंथ्स छः महीने क्यों बोले मैंने मैंने अज्यूम किया है कि मैंने डिवेंचर एक अक्टूबर को ख़रीदा तो इकतीस मार्च पे मुझे इसे मेजर करना है सब मेजरमेंट यानी रिपोर्टिंग डेट पर मेजर करना तो मुझे मेजर करना है अब मैंने नब्बे पे ही मेजर किया और इस पे कोई असरेट बढ़ाया नहीं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा इनकम ज़ीरो बुक होगी और पूरी इनकम फिर रिडम्पशन पर मुझे मिलेगी जो कि गलत है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो टाइम के साथ साथ इनकम बुक होना चाहिए तो पांच अभी और पांच बाद में इसका मतलब ये बात तय हो गई कि यहां पर यह फंडामेंटल नहीं चलेगा कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कॉस्ट पे हो तो इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट समझ में आता है बट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट शुड बी नॉट एट जस्ट कॉस्ट बट अक्रूड इंटरेस्ट और डी रिकॉग्निशन शुड बी एट रिडम्पशन प्राइस पर सपोज एक बात समझो कि यहाँ पे डीप डिस्काउंट बाउंड के बजाय मेरा एक डेटर होता जिसको मैंने साल भर का क्रेडिट दिया है और मैंने उसे सपोज फॉर एग्जाम्पल नाइन्टी रुपीज का माल बेचा है मैंने बोला भैया साल भर बाद नब्बे रुपये दे देना मेरा आम ऑर्डिनरी क्रेडिट पीरियड है सबको देता हूँ एक अक्टूबर को सेल हुई थी तीस सितंबर एक साल बाद पैसा मिलना है बीच में इकतीस मार्च आ गया इस एग्जाम्पल में आप बताइए मेरा डेटर इनिशियली नब्बे पे रिकॉर्ड हुआ आफ्टर सिक्स मंथ्स कितने पे आना चाहिए सीधी सी बात है कि मेरा डेटर नब्बे पे था नब्बे पे है नब्बे पे रहेगा क्योंकि पैसे ही नब्बे मिल रहे क्यों डिबेंचर डिप डिस्काउंट पे आया तो नाइनटी नाइनटी फाइव हंड्रेड बट डेटा नाइनटी फर्क क्या है दोनों में डिबेंचर में मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए ब्याज मिल रहा है दैट मींस आई एम गेटिंग रिटर्न फॉर द टाइम पीरियड बट डेटर में ऑर्डिनरी कोर्स में एक साल का क्रेडिट दिया है तो आई एम नॉट गेटिंग एनी एडिशनल रिटर्न फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसका मतलब असेंशियली ये हो गया कि कॉस्ट मेथड में भी देर आर टू मेथड इन्वॉल्व कौन से दो मेथड्स इन्वॉल्व होंगे एक मेथड तब एप्लीकेबल होगा जब आपने जो फाइनेंशियल क्रिएट किया है उसमें ब्याज का एलिमेंट है दूसरा जब उसमें कोई ब्याज का एलिमेंट नहीं है जैसे कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड जैसे कि डेटर डेटर जैसी चीज विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट मेजोर एट कॉस्ट डी रेकनाइज एट इट सेटलमेंट प्राइस विच इक्वल टू कॉस्ट बट ध्यान से सुनना डिबेंचर्स डिबेंचर अगर आपने परचेज किए डिप डिस्काउंट पे, तो आप सोचोगे कि इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे लेकिन रिडम्पन कॉस्ट से ज्यादा पे होगा इसका मतलब मुझे मेजरमेंट डेट पे बीच में बैलेंस शीट डेट अगर आती है तो मुझे मेजरमेंट डेट पर इस डिबेंचर को कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए आई शुड रिकॉर्ड इट पॉसिबली एट कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट इसका मतलब आप डिबेंचर को इनिशियल डेट पे जो नब्बे पे रिकॉर्ड कर रहे हो वो नाइन्टी रुपीज सही मायने में ये डिबेंचर की वर्थ नहीं है इसकी वर्थ तो सौ रुपए लेकिन सौ रुपए के डिबेंचर की आज की वर्थ नब्बे रुपए इसलिए कहा जाता है कि ये सौ रुपए डिबेंचर की आज की आपकी कॉस्ट वर्थ अमोटाइज कॉस्ट वर्थ

And for this particular reason, I can say here that cost method may, I have two possible methods which are available with me. And what are these two possible methods? One I can say is amortized cost method. The other one I can say is simple cost method. तो एक मेथड हमारा मटाइज कॉस्ट मेथड है और दूसरे मेथड को अपन ट्रांजैक्शन प्राइस और कॉस्ट मेथड कह सकते हैं जिसमें जो हमारी आज की ट्रांजैक्शन प्राइस कॉस्ट वैल्यू है उसी पर एसेट को रिकॉर्ड करके रखें अगर आप इंडेस पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको स्पेसिफिकली मेथड अमोटाइज कॉस्ट मेथड मिलेगा इस नाम का कोई मेथड नहीं है बट इसकी अकाउंटिंग एज एन एक्सेप्शन प्रिस्क्राइब की गई अमोटाइज कॉस्ट मेथड कब लगेगा व्हेन देर इज एन इंटरेस्ट एलिमेंट दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व इसको अमोटाइज कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं क्योंकि जो पैसा मुझे मिलने वाला है उस अगर मैं आज ले लूं वो पैसा तो कितने रुपए मिलेंगे यानी कि उसकी आज अमोटाइज कॉस्ट क्या है ये वो है दोस्तों इन दोनों मेथड्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इनिशियल रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन सही बताऊं तो मैंने इंडेक्स शुरू भी नहीं किया है ये इंडेज इतना बड़ा है दोस्तों अगर मैंने अभी शुरू कर दिया बिना आपको इसका रास्ता दिखाए तो ये भूल भूलैया हो जाएगा ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बिना सोचे समझे अपन ने सी का फॉर्म भर दिया और फिर जब फाइनल में आए तो अपन इस तरह से उलझ गए कि यार सोचा ही नहीं था ऐसा होगा इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको एक पूरा विजन दे रहा हूँ इस इंडेस का इससे आपको सब समझ में आएगा कौन सी चीज़ का है स्टैंडर्ड इतना बड़ा है कि इट गेट्स लॉस्ट स्टूडेंट गेट्स लॉस्ट अगर दोस्तों मेरा एक तरीका ज़रा भी नहीं है ऐसा कि मैं जब पढ़ाऊँ तो आपको सिंपली एक एक टॉपिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन करके पढ़ा दूँ क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत आसान है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन करके पढ़ाना बट आपके लिए उसको ऐसे पॉइंट वाइज रिकलेक्ट करना बहुत मुश्किल है और एग्ज़ाम में फिर जब क्वेश्चन आएगा तब आपके दिमाग में ये क्लियरली कैसे आएगा कि यार ये टू लगेगा या फाइव कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी या एम्बेडेड डेरेवेटिव कैसे लगाओ पर दोस्तों जब ऐसा चार्ट बनाया जाता है तो पता है क्या होता है थिंग्स बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लीकेटेड फॉर द वन हु एक्सप्लेन्स बिकॉज जब मैं चार्ट बनाता हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारी कनेक्टिविटी और क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार ये ऐसा बन रहा है तो इसमें भी तो ये पॉसिबिलिटी आएगी जो कभी नहीं आती अगर मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज चीज़ें पढ़ाता तो हमें चाहिए ही वही जब मैं चार्ट बनाऊंगा तो कनेक्टिविटी आएगी मैं चाहता ही हूं कि वो कनेक्टिविटी आपके दिमाग में सही बैठे तब जाके इतने बड़े स्टैंडर्ड को आप एग्जाम से एक दिन पहले आप यू समझिए कि घंटों क्या इस तरह के स्टैंडर्ड्स आप एग्जाम से एक दिन पहले पूरा रिवाइज करने जाओगे तो याद करने जैसा हो जाएगा बट द अप्रोच विच वी आर यूजिंग उसमें आप ये समझ लेना कि आपने एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन में एक बार इसे अच्छे से देखा है विद इन वन आवर यूल टू रिवाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उस एक घंटे में रिवाइज हो सके उसकी ये मेहनत कर रहे हैं अपन अपनी फास्टर बैच में आज आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम हियर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अमेटाइज कॉस्ट मेथड तो दोस्तों में इनिशियल रिकॉग्निशन होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा और डी रिकॉग्निशन होगा ट्रांजैक्शन प्राइस मेथड में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये बड़ा ये आसान होगा क्योंकि यहाँ पर इनिशियल मेजरमेंट आप किस पे करेंगे इनिशियल रिकोग्निशन तो आई वुड रादर से कि हर स्टेज पे आई वुड यूज कॉस्ट कॉस्ट एंड एस पी सेटलमेंट प्राइस अमटाइज कॉस्ट मेथड में आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि इंडेस में इनिशियल डेट पे तो फेयर वैल्यू यूज की जाती है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो इनिशियल रिकग्निशन वैल्यू थी यानी ये वाली फेयर वैल्यू इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड करते हैं और डी रिकोगशन तो सेटलमेंट प्राइस पे ही होगा तो आप बताइए गेन लॉस की पॉसिबिलिटी कहाँ आएगी यहाँ पे गेन लॉस आ सकता है यहां पर आई विल से गेन लॉस तो नहीं आएगा इंटरेस्ट इनकम आएगी और डी रिकोगशन पे डेफिनेटली गेन लॉस आ सकता है। और ये गेन लॉस जो भी आएंगे ये किस तरह से अकाउंट फॉर होंगे दैट इज another मैटर which वी we'll have टू assess. नॉर्मली इसके गेन लॉस पीआरएल में जाना चाहिए लेकिन इनिशियल रिकोग्निशन के गेन लॉस पे फंडामेंटल थोड़ा अलग होता है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे तो इंटरेस्ट इनकम पी में ही जाएगी लेकिन डी रिकोग्निशन पे जो गेन लॉस होगा वो यूजुअली पी में जाएगा सो नॉर्मली दिस विल गो टू प्योर दिस विल आल्सो गो टू पी बट दिस एक्चुअली इज डिपेंड्स ऑन किस तरह की आपकी फेयर वैल्यू है एंड उस लॉजिक से या तो ये पी में जाता है या फिर ये डेफर हो जाता है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस दिस इज ऑल समथिंग विच एल कवर सिमिलरली इनिशियल सिमिलरलीकोग्शन पे भी जो इनिशियल डेट पे गेन लॉस आएगा सब्सिक्वेंट गेन लॉस आएगा इन सबकी अकाउंटिंग अलग अलग होगी इनिशियल डेट का जो गेन लॉस होता है दोस्तों ये पी आर एल या फिर डेफर हो सकता है इसके ऊपर नियम नॉर्मल से थोड़े अलग लगते हैं बाकी सारे गेन लॉस या तो ओ या फिर पी आर एल से एडजस्ट होते सी आई में फिर एनआर आर जब फेयर वैल्यू मेथड यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो गेन लॉस सिर्फ इधर आ सकता है ये गेन लॉस क्यों आएगा बिकॉज हो सकता है कि आखिरी में डेटर से पैसा कम ज़्यादा हो ये पी आर एल में जाना चाहिए अब आप देखो दोस्तों ये चार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा फिनेंशियल असेट की अकाउंटिंग कैसे होगी और इंडेज इतना सॉलिड बनाया गया है बस प्रॉब्लम है इसकी लेंथ लेंथ के कारण कनेक्टिविटी नहीं आती आज अगर मैं इस इंडेक्स का अकेले का प्रिंट आउट निकालो इट विल स्पैन 150 प्लस पेजेस ये पूरा जो मैं एक पेज में आपको छाट दे रहा हूँ ना दोस्तों ये 150 प्लस पेज हैं वो भी एकदम बारीक फॉन्ट साइज वाले उसको अपन यहाँ समराइज करने की कोशिश करें और वो भी इनिशियल डेट पर ये पहला लेक्चर है हमारी फास्टर बैच का इंडेक्स 109 का तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अंदर डिटेल में डेप्थ में जाएंगे बट मैं ऐसी कनेक्टिविटी आपके बना दूंगा कि आगे जाके हर चीज़ आपको समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है तब तो आप देखिए लॉजिक क्या हुआ सबसे पहली बात फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक के लिए फाइनेंशियल असेट है दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो चलो पहले बात करते हैं जिसके लिए ये फाइनेंशियल असेट है वो अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा तो हमने बोला उसके पास दो चॉइस है एक फेयर वैल्यू और एक कॉस्ट अगर वो फेयर वैल्यू पे जाना चाहता है तो इनिशियल डेट पर ईयर एंड यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये दोनों फेयर वैल्यू पे आएंगे सेटलमेंट भी सेटलमेंट प्राइस पर होगा तीनों स्टेज पे गेन लॉस आएंगे इनकी अकाउंटिंग होगी ये गेन लॉस प्योर में जाएगा या ओसीआई में इसको जानने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि फेयर वैल्यू में आप क्या मेथड यूज कर रहे हो यानी yani इफेक्टिवली अगर मैं नंबर ऑफ मेथड्स की बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मेथड्स कितने हो गए फेयर वैल्यू में आई कैन से आई हैव टू मेथड्स, ए वन ए टू सिमिलरली इफ आई गो टू कॉस्ट कॉस्ट में अगेन आई हैव टू मेथड्स, बी वन बी टू बी टू इज समथिंग विच इज़ रेयरली गिवन एनी वेयर बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक केस तो इफेक्टिवली कई बार ऐसा बोलते हैं कि टोटल तीन मेथड होते हैं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और अमोटाइज कॉस्ट मेथड अब मैं जो कह रहा था इंडियास इतना लॉजिकल है इंडियास क्या करवाता है दोस्त वो बोलता है कि यार फेयर वैल्यू मेथड कब लगाना कॉस्ट मेथड कब लगाना तो उसका बहुत ही सिम्पल सा फंड है कॉस्ट मेथड लगाने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं अमोटाइज कॉस्ट मेथड या सिंपली ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड अलग कर दो क्योंकि वो डेटा टाइप के एसेट्स के लिए जो जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे उसी वैल्यू पे रियलाइज होंगे अमोटाइज कॉस्ट मेथड कब लगेगा जब आपको पैसे बाद में मिलने पर अगर वही पैसा आज मिलता तो कम मिलता ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप उसको आज आज जो मिलता है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो और बाद में जो मिलेगा उसमें और इसमें जो डिफरेंस है उसको ओवर अ पीरियड इंटरनल आप, तो आप खुद सोचो क्या इक्विटी शेयर में ऐसा है क्या कि मैंने जितने भी खरीदा है वही पैसा मिलेगा नहीं यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड तो नहीं लगेगा सेकंड इक्विटी शेयर में ऐसा है क्या कि पांच साल बाद इतने रुपए मिलने हैं और अगर वो आज मांगूंगा तो उसके इतने मिल जाएंगे ऐसा भी नहीं है यानी अमोटाइज कॉस्ट मेथड भी नहीं लगेगा तो इसका मतलब हमेशा इनपे कौन से मेथड लगेंगे फेयर वैल्यू तो अभी आप बेसिकली ये बोल सकते हो डेटर ऑलवेज ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड डिबेंचर में पैसा लगाया है तो नॉर्मली इट शुड गो अंडर अमोटाइज कॉस्ट मेथड इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है तो इट शुड नॉर्मली गो अंडर फेयर वैल्यू मेथड फेयर वैल्यू में फिर आपके पास चॉइस होगी ओ सी आई या फिर पी एल की एफ ई टी पी एल की ठीक है तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल डिस्कशन है जो मैंने आपके सामने करके रख दिया किसके ऊपर फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर ये पूरे डिस्कशन को करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है चैलेंज कहाँ आ सकता है तो आई थिंक दिस इज अ फेयर डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ फेयर वैल्यूएशन एंड कॉस्ट इसमें एक, एक एक्स्ट्रा चीज जो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो क्या पढ़ सकती है दोस्तों एक जनरल नियम बताओ किसी भी असेट को अगर तुम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो तो उसमें क्या डर है डर क्या है आवाज किसी भी असेट को अगर तुम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो तो डर क्या है सर अगर उसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई तो उस केस में हम गेन बुक नहीं करेंगे तो ये डर थोड़ी ना है हाँ सर उसकी वैल्यू अगर एकदम से गिर गई तो उस पर्टिकुलर केस में हम लॉस बुक नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट पे चल रहा है तो एक बात बताओ तुमने क्या ये डिबेंचर जैसा असेट बेचने के लिए रखा है या रिडम्पशन के लिए सर रिडम्पशन तक के लिए तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इसकी वैल्यू गिर भी जाए तो

द इंस्ट्रूमेंट इज solely फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड द बिजनेस मॉडल इज टू ओनली होल्ड टेक्निकल चीजें छोड़ो तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसको इसको को मेथर्ड में डालो पर आपको लगता नहीं यार बेच के भी कमा सकते हैं तो फिर फेयर वैल्यू में डालो फिर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू देखना उसकी पर अभी मैं बोलता हूँ मेरा इंटेंशन तो होल्ड करने का है तो फिर मुझे ईयर एंड की फेयर वैल्यू से मतलब भी नहीं है क्योंकि मैं तो मेच्योरिटी तो पे जो मेच्योरिटी रिडम्पशन वैल्यू है वो लेके घर हो जाऊंगा तो ये हमेशा किस पे चलते रहेगा कॉस्ट पे प्लस इंटरेस्ट एड होते जाएगा इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है क्या कि आपने जिस कंपनी के एडवेंचर लिए उस कंपनी का ओनर सपोज विजय माल्या नीरव मोदी या इस टाइप का कोई आदमी निकला तो हमने जिस कंपनी में पैसे दिया वो कंपनी बाद में सारा या बेसारा इंडिया बन गई अब हमें बड़ा डर लग रहा है कि हे भगवान अब मेरे पैसों का क्या होगा मैं तो ब्याज बुक किए जा रहा हूँ अक्रूवल बेसिस पे ड्यू डेट पे मिलेगा या नहीं यानी कम वक़्त आपको बोरो बोरोवर जिसको पैसे दिए आपने आपको बॉरवर की क्रेडिट वर्दीनेस पर डाउट हो रहा है और ऐसा करने पे फिर देर कुड बी एन एम्पेयरमेंट लॉस इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वी विल हैव टू तो फर्दर डू अनदर डिस्कशन ऑन एम्पेयरमेंट लॉस और ऐसे तो एम्पेयरमेंट लॉस के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड होता है इंडेस 36 बट दैट स्टैंडर्ड अप्लाईज ओनली ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनटैंजिबल अट्स लाइक दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और असेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे वो नहीं लगता क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो ही चीजें होती है या तो उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होगी या आपको क्रेडिट रिस्क हो जाने से आपको लगेगा कि सामने वाला मेरे पैसे मुझे नहीं देगा यहाँ फंडा ऐसा है फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है तो अगर आपने रिडम्पशन तक के लिए होल्ड किया तो आपको कोई मतलब ही नहीं है और अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको उसे कॉस्ट प्लस ब्याज पे रिकॉर्ड करना चाहिए लेकिन अगर फेयर वैल्यू चेंज हो रही है और आपकी इच्छा बेचने की है तो फिर आप डेफिनेटली फेयर वैल्यू चेंजेस को अकाउंट फॉर करोगे प्रॉब्लम कब आएगी जब आप रिडम्शन तक के लिए होल्ड कर रहे हो इसलिए फेयर वैल्यू को इग्नोर कर रहे हो कॉस्ट प्लस ब्याज बुक करते जा रहे हो और बाद में मालूम पड़ा हुआ आपका असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया ओ ये मैंने क्या बोल दिया नॉन परफॉर्मिंग असेट हाँ ये वही तो होता है जिसमें हम जिसे पैसा देते हैं वो बॉरवर की क्रेडिट वर्दी ना इसपे डाउट होता है इस पर अपन प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं बस यू समझ लो इसी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगी मेरा सवाल आपसे ये है क्या एफ वी ओ सी आई या एफ वी टी पी एल में इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग लगेगी क्या मैंने यही बोला करना है मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे क्या इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग होगी सर नॉर्मली होना तो नहीं चाहिए क्यों क्योंकि अगर अपन ईयर एंड पर इसे फेयर वैल्यू पे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझिए अगर मैंने मान लिया जी या बेसहारा या सारा इंडिया के डिबेंचर खरीदे और अब सारा इंडिया की कीमतें या कंपनी की स्थिति खराब हो गई है तो ऑबस सी बात है उसकी डिबेंचर की फेयर वैल्यू गिर गई होगी तो वो लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो गया होगा तो प्राइमा फेस ही तो लगता है कि इसमें गेन लॉस बुक नहीं होना चाहिए टिकुलरली वील FVOCI क्योंकि दोस्तों इम्पेयरमेंट लॉस जैसी चीज नॉर्मली पी में जाना चाहिए प्रोविजन फॉर बेड डेड पी से बुक होता है और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एफ वी ओ है तो उसके फेयर वैल्यू गेन लॉस ओ से बुक हो रहे हैं उस कारण से कम वक्त आपके केस में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो आपको दिख रहा है क्रेडिट वर्दिनेस का लॉस हो रहा है वो पी एल से बुक होने की बजाय फेयर वैल्यू चेंज के नाम से ओ सी आई से बुक होगा सर बहुत हो गया अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये इतने सारे फंडे ओके स्टॉप मैं ये बोलता हूँ एम्पेयरमेंट लॉस यहाँ होगा या नहीं डिस्कस करेंगे बट डेफिनेटली कॉस्ट मेथड में इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग होगी और ये एम्पेयरमेंट लॉस प्रमेरिली क्रेडिट रिस्क के कारण क्रिएट ये सारी चीजें तुमको पढ़ना पड़ेंगी और ये सब पढ़ोगे तो इसके साथ साथ में आई एम श्योर दैट यू शुड ऑल्सो स्टडी एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट टू डू री हो सकता है एफ को एफ ई को एफ सी आई मिटाइस को एफ सी आई ये, ये, ये। इन तीनों मेथड्स में हो सकता है रिक्लासिफिकेशन की जरूरत पड़े दैट मीन शुरू में मेरा इंटेंशन था होल्ड करने का बाद में बेचने का हो गया अब मैं क्या करूँ रिक्लासिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई तो दोस्तों अगर, अगर अपन पढ़ाई करेंगे यहाँ पे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के इंडे में फाइनेंशियल एसेट्स का पूरा डिस्कशन कुछ इस तरह से डिवाइडेड होगा और जब अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा ना दोस्तों यही एक पेज के चार्ट से आप देखना मैं आपको सारी चीजें यू फटाफट पूरी की पूरी रिवाइज करवाऊंगा और तब आपको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बाय हार्ट होगा इन योर माइंड होगा चलिए ये समझ में आया फाइनेंशियल एसेट का एक कॉन्टेक्स्ट ये हुई बात खत्म अब चलो आ जाओ फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे। कम फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या करूं तो वापस से यही चीजें सोच लो मैंने अगर किसी का असेट खरीदा यानी मैंने अगर किसी को पैसे दिए तो मेरे पास दो मेथड है कॉस्ट या फेयर वैल्यू जमीन खरीदी तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूं या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं आई हैव टू ऑप्शंस अगला सवाल अगर मैंने एडवेंचर खरीदा आई हैव टू है और cost, cost में भी दो. मेरा सवाल है फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या समझना व्हाट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी सो से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट है मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बैंक शायद अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड यूज करेगी क्यों क्योंकि उसको अल्टीमेटली उस पर सिर्फ ब्याज कमाना है वो बोलेगी मुझे आगे कितना पैसा मिलना है वो उसकी वैल्यू है पर आज अगर पूरा पैसा मांगूँ तो कितने मिलेंगे ये इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट है वो इस पर रिकॉर्ड करके ब्याज बुक करती जाएगी तो बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड खत्म बॉरवर के लिए क्या होगा सर so, बोरो में क्या है बोरोवर ने जितना लोन लिया है जो रीपे करना है वो भी यही बोलेगा जो रीपे करना है वो मेरी लाइबिलिटी है और आज उसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ जितना पैसा आज देना है यानी नहीं अमोटाइज कॉस्ट मेथड वेरी गुड सेकेंड आपने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा आप उसे किस पे रिकॉर्ड करोगे अब उसमें तो अमोटाइज कॉस्ट मेथड लगेगा नहीं क्योंकि ब्याज तो है नहीं कि भैया इतने समय बाद इतना पैसा मिलेगा तो आज की क्या वर्थ है तो आप उसे बुक करोगे अपनी बुक्स में क्या फाइनेंशियल फेयर वैल्यू मेथड से जो इशुअर है जिसने आपको इक्विटी शेयर इशू किया वो अपनी बुक्स में उसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेगा और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तो अकाउंटिंग एस सच प्रिस्क्राइब ही नहीं है वन जीरो नाइन में तो ये मतलब हुआ कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी यह है ही नहीं तो आपने क्या अकाउंटिंग करना क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ऑब्बियस बात है क्रेडिटर अपनी बुक्स में क्या करेगा जिससे से फॉर एग्जांपल हमने माल खरीदा है जिसने हमें माल दिया है वो हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगा हम भी उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे यानी कि अगर क्रेडिटर की लाइबिलिटी है तो भी कॉस्ट पे आएगी डिवेंचर की लाइबिलिटी है तो भी कॉस्ट पे आएगी इनफैक्ट आप घुमा फिरा के कोई भी लाइबिलिटी उठा के देख लो अल्टीमेटली लाइबिलिटी आपकी बुक्स में जो है आपको या तो वही पे करना है या फिर अगर उसके बदले में आपको वो प्लस ब्याज पे करना है कभी ऐसा होगा क्या कि अपने को लाइबलिटी फेयर वैल्यू पे पे करना पड़ेगी ना कैसे हो सकता है आपने मेरी कंपनी का डिवेंचर खरीदा फाइनेंशियल है आपके लिए आपका इंटेंशन बेचना है अब रोज मार्केट में उसकी वैल्यू देखोगे और उसको स्टॉक आप जाके उसको क्या करोगे आप उसको मार्केट में डेट मार्केट में सेल कर दोगे किसको सेल करोगे कंपनी को सेल करोगे क्या ना रे। किसको सेल करोगे आप उसको सेल करेंगे तो यू विल बी सेलिंग इट टू अदर इन्वेस्टर तो कंपनी को क्या मतलब उससे आपके लिए उसकी फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए नहीं कंपनी तो ड्यू डेट पे उसको रिडीम करें लेकिन सर आपने एक चीज बताई थी ना सुनो एक बात सर अगर म्यूचुअल फंड होता है तो म्यूचुअल फंड की ओपन एंडेड स्कीम में तो हो सकता है कि इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को वो वापस दे दे कि ये लो म्यूचुअल फंड सुनो ये लो म्यूचुअल फंड ये यूनिट रखो और लाओ मुझे मेरा पैसा वापस दो और उस समय पैसा कितना देना पड़ेगा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर यानी फेयर वैल्यू पे तो सर म्यूचुअल फंड तो इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा ना क्योंकि उसको पे कितना करना है जितना बुक्स में आ रहा है वो नहीं फेयर वैल्यू पे हो समझने लग गए अब तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थर्टी टू का रिविजन बहुत अच्छे से करा है तुमने तो अगर किया तो तुमने देखा होगा कि इसे हम पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं और ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें होल्डर के पास राइट होता है अपने इंस्ट्रूमेंट को पुट करने का पर बदले में उसे मिलता प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट असिटी है जितना अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर का हक बनता कंपनी में उतना प्रपोर्शनेट पैसा और पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को भले ही वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का नेचर रखते हैं इक्विटी माना जाता है इसलिए उस पर भी इक्विटी अकाउंटिंग लगेगी यानी उसकी अकाउंटिंग वापस से प्रिस्क्राइब ही नहीं है दोस्तों घुमा तो फिरा गया तुम कितना भी देख लो इफेक्टिवली लाइबिलिटी कॉस्ट या अमोटाइज कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगी इसके बहुत रेयर एक्सेप्शन हो सकते हैं कैसे रेयर एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे कि कोई पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर सब कुछ आइडेंटिकल राइट्स में नहीं है तो हो सकता है कि फिर आप उसे इक्विटी ना मानो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानो और वो फेयर वैल्यू पे आ जाए बट लेट्स स्किप दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल अ बी अ फाइनेंशियल गारंटी गिवन किसी ने लोन लिया मैंने उसकी गारंटी दे दी अब मुझे लग रहा है वो रीपे करना पड़ जाएगा क्योंकि सामने वाला पे नहीं करेगा अब ये फाइनेंशियल गारंटी अगर आपने किसी के लोन के बदले में आप गारंटर बन गए तो उस केस में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा जितने की गारंटी है ना जितनी लाइबिलिटी आपके सर पे आ सकती है यानी प्रैक्टिकली वट एवर कुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी यहाँ पे वैल्यूएशन होगा कि क्या वर्थ लगती है क्या लॉस के चांसेस लगते हैं ऐसे तो सर प्रोविजन में भी वैल्यूएशन होता है बट मैंने बताया आपको प्रोविजंस आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस इंडेस बट फाइनेंशियल गारंटीज आर कवर्ड अंडर दिस इंडेस तो दोस्तों फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में एक चीज दिमाग में फिट कर दो क्या कि हमेशा एक ही मेथड यूज होगा कौन सा कॉस्ट एक्सेप्ट बहुत ही रेयर केसेस में छह आइडेंटिफाइड केसेस हैं जहां पर फेयर वैल्यू यूज हो सकता है और फिर इंडेस ने कहा है कि भैया रेयर केसेस हैं फेयर वैल्यू है तो फिर चॉइस नहीं है वहां वहां पे आपके पास फिर फेयर वैल्यू में एक ही ऑप्शन है एफ वी टी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस यानी का वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता हालांकि उसमें भी अपन एक आध एक्सेप्शन निकाल लेंगे ओसीआई वाला जो कि आगे अपन देखेंगे कि अगर खुद के क्रेडिट रिस्क के कारण आपकी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू गिर रही है तो फिर वो लाइबिलिटी की वैल्यू का गिरना समझ रहे हो लाइबिलिटी की वैल्यू गिरी तो आपके लिए गेन हो गया तो वो ओसीआई में जाएगा ये अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ये लेक्चर अगर कोई वो देख रहा है जिसने पहले कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है तो मेरी बात सुन पाएगा समझ पाएगा कि ओन क्रेडिट के कारण अगर चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस के कारण जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की गिरावट होती है जो आपके लिए गेन है लाइबिलिटी कम हुई लाइबिलिटी कम हुई यानी डेबिट टू क्रेडिट गेन होएगा ये गेन कहाँ जाएगा दिस विल गो टू ओ प्लीज़ इग्नोर वट आई हैव सेट फॉर द मोमेंट तो सर बोला ही को तो बोलना पड़ता है मैंने बोला ना ये लेक्चर तुमको पांच से दस साल तक संभाल के रखना है ये पूरा देखने के बाद जब उसको दिकार और रिवाइज करोगे ना तो तुमको मेरी एक एक बात है कि कॉमा फुल स्टॉप समझ में आएगा तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं वॉट आई कैन से इज सबसे पहले तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी का डिस्कशन मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा और मैं इसे स्ट्रेच करके कैसे अकाउंट फॉर करूंगा कुल cool. चलिए तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आई वुड से आई हैव कितने मेथड है अपने पास आई हैव ओनली कॉस्ट मेथड एफ टी पी एल बट इन वेरी वेरी रेयर केसेसट मेथड में इट कुड बी ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड सॉरी So it could be <sighs> amortized cost method, ACM, which is most common, or it could be transaction value method. एफ ई इज इन रेयर केसेस अमटाइज कास्ट मेथड में दोस्तों वापस से वही सवाल उठेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी वही उठेगा इनिशियल रिकग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डी रिकग्निशन आप बताइए इनिशियल रिकोगनीशन किस पे होना चाहिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी का तो इनिशियल रिकोग्निशन फाइनेंशियल लाइबिलिटी का दोस्तों मेथड कॉस्ट हो या कोई भी इंडेस में एक ही फंड एक्सेप्शन ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड है जहां पे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करते हैं जिसको आप कॉस्ट बोल सकते हो सबसिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगा तो जो इनिशियल रिकोग्निशन की आपकी वैल्यू थी प्लस इंटरेस्ट और डी रिकग्निशन किस पे होगा सेटलमेंट प्राइस पे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही चलते रहेगा और डी रिकग्निशन होगा तो सेटलमेंट प्राइस पे होगा यहाँ भी गेन लॉस आ सकता है यहाँ इंटरेस्ट आएगा या गेन लॉस आ सकता है नॉर्मली अपन क्या करेंगे गेन लॉस कहाँ पर जाएंगे तो हम यूजुअली कहेंगे कि गेन लॉस शुड एक्चुअली गो टू तो इनिशियल है तो ये पीआरएल या डेफरमेंट हो सकता है इंटरेस्ट पीआरएल डी रिक्निशन का पीआरएल यहां भी यहाँ सेटलमेंट पे ही गेन लॉस होगा और वो गेन ऑन लॉस पीआरएल में जाएगा पूरा किसके जैसा हो गया दिस इज ऑल लाइक दिस इज ऑल लाइक असेट कॉस्ट बेसिस अमटाइज कॉस्ट और ट्रांजेक्शन वैल्यू रही बात एफ़ वी टी की एफ वी टी में आपका गेन लॉस कहाँ जाएगा सो इन एफ वी टी इज़ एक्चुअली अ रेयर केस तो इसको मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यूजल इट इज़ रेयर इट इज़ वेरी वेरी रेयर और इसमें जो गेन लॉस आएगा वो गेन और लॉस तुमको कहाँ डालना पड़ेगा तो ये गेन और लॉस जैसे कि नाम दिया हुआ है इट शुड गो टू पी आर एल बट एक एक्सेप्शनल केस में जब ओन क्रेडिट रिस्क के कारण चेंजेस आए देन इट गोज टू ओ सी आई बहुत ही स्पेशल केस है ऐसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग होती है अब तुमको इससे समझ में आ जाएगा कि जब मैं तुमको ये स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो प्राइमरि मुझको तुम्हें अमोटाइज कॉस्ट मेथड फेयर वैल्यू थ्रू ओ फेयर वैल्यू थ्रू पी पढ़ाना है एक्सेप्शनली मुझे तुमको ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड पढ़ाना होगा एक्सेप्शनली मुझे तुमको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में पढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों ये जो एनपीए होता है ना नॉन परफॉर्मिंग असेट इसकी अकाउंटिंग के इंडियस बताएगा क्या तो देखो बैंक ने लोन दिया बैंक के लिए फाइनेंशियल असेट आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या इसकी अकाउंटिंग इंडियस में कवर होगी बिल्कुल होगी बैंक इसे अमर्टाइज कॉस्ट मेथड पे वैल्यू करेगा तो ये चीज़ें कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट पे चलेगी बैंक इसमें एनपीए होने पर इंपेयरमेंट लॉस बुक करेगा अब आपकी बुक्स में आ जाओ आप क्या करोगे आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं करोगे आप तो उसे अपनी कॉस्ट पे दिखाते रहोगे कभी फेयर वैल्यू पर दिखाने की ना बताई तो अब व्यसि बात है जितने की लाइबिलिटी है उससे कम पैसा दोगे क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है कर रहे हो तो फिर यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है ना दोस्तों ये अकाउंटिंग इस केस में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में जो हम डिस्कस करेंगे ये यह अकाउंटिंग यहाँ पर एम्पेयरमेंट लॉस की नहीं होगी इंस्टेड ऑफ एम्पेयरमेंट लॉस वी बेसिकली टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कैशलोस विच कुड बी सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन और यहां पर कैशलॉस के मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग होगी इसका मतलब क्या होगा प्रैक्टिकली यहां पर इंपेयरमेंट नहीं होगा यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि कैश फ्लोज मॉडिफाई हो गए दैट मीन्स मैंने बैंक से लोन लिया था बोला था एक, -एक करोड़ पाँच साल तक दे के रीपे करूँगा पर बाद में मैंने बोला इतने नहीं दे सकता तो अस्सी अस्सी लाख छः साल तक दूंगा बस समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है मॉडिफिकेशन हो रहा है तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइबिलिटी इम्पेयर हो गई हो क्या गई तुमने करी होगी लाइबिलिटी कैसे इम्पेयर होती है

बेसिकली सेग्रीगेट इक्विटी एंड डेट कॉम्पोनेंट और इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट ध्यान रखना ये हमेशा इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार वो हो गया फिर इक्विटी की अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की जैसी अपन मेथर्ड में करते हैं जैसी होती है वैसी होगी डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों यू जस्ट वन मेथड विच इज अलाउड विच इज FVTPL यही मेथड एम्बेडेड डेरिवेटिव में आपको इसकी अकाउंटिंग या तो एक फाइनेंशियल असेट की तरह करना होती है या फिर स्प्लिट अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल एसेट होगा तो फेयर वैल्यू पे होगा स्प्लिट अकाउंटिंग होगी तो देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइडेड इन बिटवीन पार्ट्स एंड द पार्ट्स कुड बी लाइक अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और अ नॉन फाइनेंशियल आइटम एंड अ डेरिवेटिव समथिंग ऑफ दैट शॉर्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको अपन लग से डिस्कस करेंगे इनफैक्ट इंडेस ये भी बताता है कि एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करने की जरूरत कब पड़ती है तो एम्बेडेड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स बिटवीन फाइनेंशियल असेट माने स्प्लिट अकाउंटिंग करें ये कैसे होगा दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेज जो बताएगा कि डेरिवेटिव में डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है या नॉर्मल अकाउंटिंग से काम हो जाएगा एम्बेडेड डेरीवेटिव आपको समझ में आ गया एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप रोमांच ऐड कर दो एक डिबेंचर में अगर आपने गोल्ड इंटरेस्ट कर दिया है कि डिबेंचर हमारा फिक्स रेट की बजाय अब गोल्ड के रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा तो फिर ये एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में आपने डेरिवेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया तब इस केस में जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है यह उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है तो ये पूरा एक फाइनेंशियल एसेट की तरह ही वो अकाउंट फॉर करेगा और नॉर्मली मैं बोलूंगा इसमें फेयर वैल्यू मेथड बेहतर होगा कॉस्ट काम नहीं आएगा क्योंकि फिक्स वैल्यू मिलना नहीं है लेकिन जो इशर है जो कंपनी है उसको इस डिवेंचर में प्रिंसिपल फिक्स देना और इंटरेस्ट वेरी करेगा हर साल तो उसकी बुक्स में अकाउंटिंग थोड़ी स्पेशलाइज होगी एंड एन हेजिंग में प्रमेरली व्हेन वी टॉक अबाउट हेजेस हेज में दोस्तों ध्यान रखना वी बेसिकली हैव इन आवर कोर्स थ्री टाइप्स ऑफ हेजेस एक को बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज एक को बोलते हैं कैश फ्लो हेज और एक आपकी होती है हेज विच इज नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन्स इसके बारे में डिस्कशन अभी ज़रा भी ना करें ऐसे भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है काफ़ी विल टेक इट अप लेटर एंड मिसलेनियस टॉपिक में कभी कोलैटरल सिक्योरिटी दी है ट्रेडिंग करते हो आप रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट डिविडेंड की अकाउंटिंग ये सब आई होप ये सब करने के बाद एक फ़ायदा आपको हुआ होगा कि इतनी सी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि इंडिया इसका मेजर डिस्कशन है फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग और लाइबिलिटी की अकाउंटिंग सीख लो बात के कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेरिवेटिव में एम्बेडेड डेरिवेटिव में बस आपको ये डिसाइड करना है कि जो मेथड हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा लगेगा तो डिस्कशन पूरा फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इस पूरे डिस्कशन में स्पेशल डिस्कशन में अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक इम्पेयरमेंट लॉस का डिस्कशन आएगा रिक्लासिफिकेशन का और मॉडिफिकेशन ये स्पेशल डिस्कशन है जो आपको करना पड़ेंगे इसी के बेसिस पे नाउ इफ आई कम टू द बुकलेट एंड शो यू वॉट एवर गिवन इन द बुकलेट आई होप नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट देखिए बुक में क्या क्या टॉपिक्स आपको दिए गए तो यू कैन फाइंड अकाउंटिंग मेथड सबसे पहले आपको मेथड की चॉइस करना है कि भैया अमटाइज कॉस्ट या फेयरवेल मैंने आपको बोला था ना ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड किसी भी जगह आपको एसच अलग से नहीं मिलेगा ये एक एक्सेप्शनल मेथड है इसमें एफ वी टी पी एल और एफ वी ओ सी आई एफ वी ओ सी आई में रिक्लासीफाइबल और नॉन रिक्लासीफाइबल दो ऑप्शन एक्सक्यूज फिर इनिशियल वैल्यू किस पे रिकॉर्ड होगी ये ध्यान रखना इंडेस में डेटर ग्रेटर टाइप की एसेट छोड़ दो तो हमेशा इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट का

फिर डिटेल में अमरटाइज कॉस्ट मेथड देखेंगे फेयर वैल्यू मेथड सारे देखेंगे ये एक स्पेशल टॉपिक है फिर फाइनेंशियल ये सब डिस्कशन में फाइनेंशियल एसेट का डिस्कशन अपने आप हो जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी में मेनली अमरटाइज कॉस्ट मेथड कुछ केस में एफ पे फिर डी रिकोगग्निशन की अकाउंटिंग अलग से क्यों दी गई है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इंडेस में डी रिकोगग्नीशन इज समथिंग विच इज़ वेरी ट्रिकी क्यों स्टार अगर मुझे लगाना है ना तो आई शुड एक्चुअली पुट स्टार ऑन डी रिकग्नेशन अकाउंटिंग क्यों बड़ी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है समझना डिवेंचर करीधा तीन साल बाद रेडियम होना था दे दिया रेडियम हो गया खत्म डी रिकगनाइज सिंपल डेटर था एक साल बाद पैसे देने वाला था एक साल हो गया पैसे दे दिया डी रिक्नाइज खत्म डी रेकोगनाइज यानी डेटर गया कैश आ गई कोई दूसरी एसेट आ गई वो नाम की एसेट गई प्रॉब्लम कहाँ पर है प्रॉब्लम कहाँ पर है आप समझिए मैंने डेटर पे फैक्टरिंग करा दी फैक्टरिंग का मतलब मेरा सौ रुपए का डेटर था और मैंने किसी को फैक्टर पे दे दिया फैक्टर पे देने का मतलब मैंने एक तरह से उसको सेल ऑफ कर दिया अभी आए तो देख लेना मैंने उसको एक तरह से सेल ऑफ़ कर दिया क्या मतलब हुआ सेल ऑफ करने का मैंने किसी को बोला यार तू ले, ले और तू मुझे पैसे एक इससे रिकवर करके दे देना अब इस केस में क्या होगा अब इसी बात है अगर आपने फैक्टर को सेल कर दिया तो जो पैसे आपको मिले वो ले लो और डी रिकोगनाइज कर दो बट इसमें अगर कभी अगर इसमें कभी ऐसा हुआ अगर इसमें कभी ऐसा हुआ कि आपने विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग की है तो क्या होगा विथ रिकॉर्ड्स किए तो आपने उसे बेच दिया और आपने बोला तू कमा ले मुझे सौ रुपए के रेटर में नब्बे दे दे और आप रिकवर कर लो जितने आए तुम्हारे नहीं आए तुम्हारे पर अगर मैंने विथ रिकॉर्ड्स किया है तो बैड डेट्स हुई तो भैया मेरे ऊपर आ जाएगी तो क्या मुझे डी करना चाहिए प्रैक्टिकली तो मेरा रिस्क खत्म ही नहीं हुआ है इस एसेट का कई बार इसमें पार्शियल डी हो जाता है मैंने बोला इतने रुपये तक का लॉस मैं बीयर कर लूंगा इससे ज़्यादा का आप बीयर करना और पार्शियल डी रिक्निशन की फिर वेराइटीज़ होती है जैसे कि मैंने आज एक असेट सेल किया आपको कैसे सेल किया मेरे पास एक डिबेंचर था बारह परसेंट का डिबेंचर अब कोई आया उसने बोला यार एडवेंचर पे ब्याज तो बहुत अच्छा मिल रहा है मैंने बोला ले ले हमसे खरीद ले उसने बोला यार इतने पैसे नहीं है हमने बोला एक काम कर ब्याज खरीद लें उसने बोला मतलब मैंने बोला पाँच साल का एडवेंचर बाकी है बारह 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 का ब्याज मिल रहा है साठ रुपये का ब्याज मिलेगा मैं तुझे आज पचास रुपये लेके ब्याज भेज देता हूँ यानी ब्याज पूरा अब तुम्हें मिलेगा मुझे आज पचास दे दो और प्रिंसिपल मुद्दल मैं ले जाऊंगा पाँच साल बाद ये भी एक तरह का क्या है डी रिकग्नीशन है बट पार्शियल है कई बार डी रिकग्नीशन करना है यानी ये भी एक क्वेश्चन है मैंने आज आपको एक असेट बेच दी तो मेरे पास इक्विटी शेयर रखे थे प्राइवेट कंपनी के मैंने आपको सेल कर दिए और आपने बोला यार बहुत महंगे मैंने बोला भाई भाई बैठा है गारंटी जा मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूँ पुट ऑप्शन क्या पुट ऑप्शन क्या पुट ऑप्शन मतलब आई एम द राइटर एंड यू आर द होल्डर मैंने तुम्हें शेयर सेल की और आपको पुट ऑप्शन दिया छः महीने में तुम्हारी इच्छा होना तो ये शेयर जिस प्राइस पे मैंने बेचे उसी प्राइस पे लाके वापस मुझे दे देना मैं खरीद लूंगा अब आप बताओ ऐसा पुट ऑप्शन अगर आप दोगे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके सर पे तो शेयर की रिस्क अभी भी बनी हुई है तो क्या छः महीने बाद डी रिकग्निशन होगा तो ये डी रिकोगनीशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस इंडेक्स पे तो इसके लिए डी रिकोग्नीशन के ऊपर अपन स्पेशल डिस्कशन करते हैं तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इंडेक्स थोड़ा अलग दिखेगा तो डी रिकोगग्नीशन का कॉन्सेप्ट और अलग अलग सिचुएशन फिर कोलाट्रल सिक्योरिटी कभी अपन देते हैं तो उसकी अकाउंटिंग

जिसको आजकल ऑडिट आज में हम लोग बोलते हैं द्रोन चार्ट। में ने द्रोन ऐसे है कि आप देखोगे तो देखते देखते ही आपको उससे प्यार हो जाएगा तो वेरी वेरी खूबसूरत से बट उससे बड़ी चीज जो वाकई खुशी देती है दिल को वो था इस बार का रिजल्ट इस बार के रिजल्ट में दोस्तों ये जो अभी सीए फाइनल में 2018 का रिजल्ट आया इस रिजल्ट में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो स्टूडेंट शेयर आज के जमाने में क्या होता है मेनी टाइम्स यू नो यू फील कि यार अपन क्या मैसेज लिखे सर को क्या शेयर करें फीडबैक कहा उनको पता होगा कहां वो हमें जानते होंगे कौन इतना समय ले बट यू नो दीज स्मॉल थिंग्स डू मैटर तो आई गॉट सो मेनी मैसेजेस टाइम कि सर मेरा ऑडिट इतने समय तक रुका हुआ था आपके रिविजन लेक्चर से ए, हमको इतने मार्क्स आ गए अब ऐसा नहीं होता हमारे रिविजन लेक्चर से आ गए बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि ठीक है कहीं उसने थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया होगा मेहनत ऑब्वियसली आपकी है बट यस वी कैन बी फैसिलिटेटर इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट तो लॉट ऑफ मैसेजेस स्टूडेंट सेंड की सर हमको स्पेशल ऑडिट में हमेशा से समस्या आती थी पर आपके ड्रोन चार्ट्स के कारण इस बार स्पेशल ऑडिट के क्वेश्चन हो गए एंड आई वाज सो हैपी और दोस्तों आप लोगों के लिए फिर हमने इस बार ड्रोन चार्ट्स का सेकंड अपडेटेड वर्जन लॉन्च करना है बहुत जल्द ही आने वाला है ये चीज मैं आपको बताना तब तक नहीं चाह रहा था जब तक कि हम इसे मार्केट में यानी कि आपके सारे शहरों में बुक सेलर्स के यहां पर लॉन्च ना कर दें बट रुका नहीं गया मुझसे और इसीलिए मैं लेक्चर में एकदम आखिरी आखिरी में बता रहा हूं वी आर कमिंग विद द अपडेटेड वर्जन 2 ऑफ ड्रोन चार्ट्स इसमें स्पेशल ऑडिट के सारे टॉपिक्स होंगे और इस वर्जन 2 में ए व्हाट वी हैव डन इज पिछले 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हाँ उस चार्ट फॉर्म के ड्रोन चार्ट में पिछले 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिया और तो और उन क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा चार्ट के उस पॉइंट का रेफरेंस भी दे दिया है क्योंकि स्पेशल ऑडिट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए एप्लीकेशन नहीं है क्वेश्चन बड़ा सीधा आंसर लिखना है हमने लिख दिया ये क्वेश्चन आंसर के लिए ये वाला पॉइंट यानी अब आप प्रैक्टिकली चार्ट देख के एग्जाम प्रैक्टिकलीकेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वी हैव ऑल्सो डन सम वी हैव एडेड सर्डन टॉपिक्स विच नॉट देयर और वी हैव एक्चुअली एडेड सम काइंड ऑफ Housekeeping issues, इश्यूज थोड़ी बहुत लैंग्वेज के कुछ कुछ कहीं कहीं like sentence formation, capital, small letters के issues थे उन सब को correct के। so sure like it. और आपको पता ही है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिए हैं लास्ट uh, ईयर में ऑडिट की टॉपर पलक अग्रवाल वाज वन ऑफ आर स्टूडेंट्स एंड फैक्ट शी गॉट ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन ऑडिट्स इन मई 2017 अभी मई 2018 में एक बार वापस से

ऑल इंडिया थर्टी सेकेंड रैंक वी गॉट ऑल इंडिया ट्वेंटी थर्ड रैंक और इंदौर शहर में हमने सीपीटी के फर्स्ट और थर्ड पोजिशन होल्डर्स दिए तो मे टू थाउजेंड एटीन हैज बीन अ वेरी गुड ईयर ऑफ रिजल्ट एनी वेज द रीजन आई एम शेयरिंग दिस विथ यू इज आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग जो ये देख रहे हैं फीडबैक शेयर करें ताकि अगले वीडियो में मित्त थोबानी पलक अग्रवाल की तरह मैं आपका भी नाम लूँ एनीस सो विद दैट बैकग्राउंड नाउ आई हैव जस्ट गिवन यू अ कंस्ट्रक्ट अ हेलीकॉप्टर व्यू और ड्रोन व्यू ऑफ इंडेक्स 109 और इस ड्रोन व्यू के बैकग्राउंड के साथ दोस्तों अब अपन इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली चीज ये जो अभी अपन ने पढ़ा ये एक साइड में रख दो इसको बाद में रिवाइज करने के लिए रिलेट करेंगे अब अपन टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे इसमें हमारा डिस्कशन सीक्वेंस होगा फाइनेंशियल एसेट

क्या अभी यू समझ लिए हेलीकॉप्टर व्यू दे देता हूँ किसका <coughs> सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे दोस्तों वो ये पढ़ेंगे कि आप क्या ए सी एम या एफ वी डी पी एल या एफ ओ सी आई मेथड अपनी मर्जी से लगा सकते हो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप मेथड यूज करके लगा सकते हो क्या ऐसा ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए तो फंडामेंटल क्या है बहुत सिंपल है कॉस्ट मेथड का मतलब आगे जाके मुझे कुछ पैसा मिलना है आज अगर मैं वो पैसा मांगूंगा तो मुझे कितना मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो अमेटाइज कॉस्ट मेथड प्रोवाइडेड आपका इंटेंशन भी उसमें आगे जाके जो पैसे मिलने हैं वो लेने का है इसको इंडेक्स में नाम दिया गया है एस पी पी आई टेस्ट इज द इंस्ट्रूमेंट हेल्ड सोलली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट क्या हुआ इंस्ट्रूमेंट का नेचर सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है जैसे कि डिबेंचर बॉन्ड्स प्लस इज योर बिजनेस मॉडल टू होल्ड इट टिल रिडम्शन मेच्योरिटी देन यू शुड गो फॉर अमोटाइज कॉस्ट मेथड लेकिन अगर उसमें सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही आएंगे लेकिन डिवेंचर लिस्टेड है तो मेरी मंशा मेरा मन डगमगाता है हर साल सोचता हूँ बेच दू क्या यार मार्केट वैल्यू बढ़ गई करूँ नहीं करूं यानी ए अपना इंटेंशन है सी ए करने का सोल्ली वी आर मेड फॉर वर्ड स्टडी एंड गिविंग एग्जाम्स एंड क्लियरिंग एग्जाम्स ऑफ सी और मेरा इंटेंशन भी क्लियर है कि मैं वही करूंगा तो अपने लिए कौन सा मेथड हो गया बिजनेस मॉडल है अपना टू होल्डेल मेच्योरिटी नेचर भी सोलली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट जैसे पर अपना क्या है मंग डगमगाता है कभी सोचते हैं यार एक काम करते हैं एमबीए कर लेते हैं अरे यार छोड़े यार सीएफए कर लेते हैं अरे यार सी एस बी तो भरा था वहां चलते वहां माहौल भी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इंटेंशन आपका क्या है सोनली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है पर आपका इंटेंशन होल्ड करना है और बेचना भी है दैट मीन्स आप शिफ्ट भी कर सकते हो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए अमटाई कॉस्ट मेथड अवेलेबल नहीं होगा तो अगर आपका इंटेंशन होल्ड ओनली नहीं है और बेच भी सकते हो तो फेर वाली इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में आपको एफ वी ओ सी आई मेथड दिया जाता है लेकिन आपका नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सोनली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ आपने ये इसलिए नहीं लिया है कि आपको फिक्स्ड स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड पेमेंट्स मिले जिसकी आप आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो कि इसकी आज अमरटाइज कॉस्ट यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ फ्यूचर कैश फ्लो को अमरटाइज कॉस्ट बोला और कुछ भी नहीं वॉट इज अमरटाइज कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो तो जिसकी आज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो के नाम पे क्या वैल्यू आ रही है ये निकाल ही नहीं सकते क्योंकि नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही वैसा नहीं यानी इक्विटी शेयर कोई फिक्स पेमेंट मिलना ही नहीं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल ही नहीं सकते पता ही नहीं कैश फ्लो क्या होने वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आपके पास ऑप्शन ही नहीं है फेयर वैल्यू मेथड ही यूज करना है और इसमें फेयर वैल्यू में कौन सा मेथड यूज होगा तो यू शुड यूज एफ बट एक चीज ध्यान रखना अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कॉस्ट मेथड का फेयर वैल्यू ही जाना पड़ेगी क्योंकि एवरटाइज कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल ही नहीं सकते तो आप इस केस में अमर्टाइज कॉस्ट मेथड यूज नहीं करोगे तो फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू में एफ वी टी पी एल पर यहाँ पे अपने को चॉइस दी है कि आप चाहो तो इसको एफ वी ओ सी आई मान सकते हो आपको लगता है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट खूब सारा गेन लॉस ओर में डाल के पी -E को खराब करेगा तो चलो उसको ओसीआई -E में डाल दो पर एक बात ध्यान रखना एफ वी ओ का ऑप्शन आपको इनिशियल डेट पर चूज करना है कि मैं इक्विटी शेयर को एफ वी आई वैल्यू करूंगा और एक बार आपने ये चॉइस कर रही तो इबल है जो मैंने बताया था, change, वो नहीं प्लस ये ओसीआई में भी नॉन रिक्लासिफाइबल होगा यानी कि गेन लॉस डायरेक्टली रिजर्व में जाएगा कभी भी इवन जब ये असेट सेल होगा तो ओसीआई में, में नहीं जाएगा ये कब होगा जब आपने इक्विटी शेयर खरीदे हैं और आप चाहते हो उसको एफ से आई ऑप्ट करना पर इस एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन है कि अगर आप हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो यानी आपका बिजनेस मॉडल इज टू ट्रेड इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो फिर उस केस में एफ कंपलसरी है। तो इसको आप कैसे देख सकते हो आई कैन प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग बेसिकली इन दिस मॉडल अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरह का माइंड मैप इंडेक्स में दिया है लेकिन मैंने अपना एक सेपरेट माइंड मैप आपके लिए क्रिएट किया है क्या आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है हाँ क्या एसपीपीआई टेस्ट पास होता है हां एसीएम आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है हाँ पर क्या आपका एसपीपीआई टेस्ट पास होता है नहीं एफपीटीपी आपका बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है नहीं तो क्या और सेल है हाँ क्या एस पी पी आई टेस्ट पास होता है हाँ देन इन दैट केस एफ वी ओ सी आई टेस्ट पास नहीं हुआ फिर एफ वी टी पी एल क्या आपका बिजनेस मॉडल ट्रेड करना है हाँ एफ वी टी पी एल ऐसा इंडेक्स में डिफाइन किया मैंने इसको रिस्ट्रक्चर करके ऐसा बनाया आई थिंक दिस इज मोर इजी पहले मन में सोचो क्या ये वो वाला है क्या जिसमें स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा एसपीपीआई पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट विच मींस वेदर आई विल गेट ऑन स्पेसिफाइड डेट प्री डिफाइंड कैश फ्लोस एस पी पी आई टेस्ट, टेस्ट मीज किया अगर मैंने बोला नहीं तो सीधे एफ टी पी एल डाल दो आंख बंद करके यानी ये कौन सा केस हो गया बेसिकली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पर आपके पास ऑप्शन है जो इन लोगों के बल्कि एक बार यूज किया तो फिर बाहर हो गए कि आप उसे एफ सी आई एन में डाल दो नॉन रिक्लासीफाइबल पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये ऑप्शन नहीं है ये दिया यूजुअली इक्विटी पर पास हो गया स्पेसिफाइड डेट पे आपको कैश फ्लो मिलने वाले प्रिंसिपल इंटरेस्ट के नाम के तो क्या बिजनेस मॉडल होल्ड ओनली है हाँ ए क्या बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल है ओ ये ओ सी आई है ना नॉन रिक्लासिफाइबल कब है जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था एफ करना था पर आपने चॉइस एफ की तो फिर बोलेंगे तुमने अपनी इच्छा से किया है तो आप पी में कभी नहीं डालने देंगे और ट्रेड करना है तो हमेशा एफ एक जनरल रूल ध्यान रखना दोस्तों फाइनेंशियल असेट में इन डेज में कहा गया है कि एफ ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है यानी जहाँ ए होना चाहिए था या फिर जहाँ पर एफ़ ओ सी आई होना चाहिए था वहाँ एफ वी टी पी एल ऑप्शन आप यूज़ करना चाहो तो वो ऑप्शन जनरली अवेलेबल है यानी कि ए सी एम की, की बजाय अगर आप चाहो तो यहाँ पे ओ सी आई एफ वी टी पी एल ऑप्शन ले सकते हो ये ओ सी आई या ए सी एम की बजाय एफ वी टी पी एल अवेलेबल है पर एफ वी टी पी एल की बजाय आपके पास एफ़ वी ओ सी आई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कहाँ पर ट्रेडिंग में पर कहाँ पर अवेलेबल है इफ इट इज बेसिकली एन इक्विटी शेयर विच इज नॉट मीटिंग एस पी पी आई टेस्ट एंड इट इज ऑल्सो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस एंड आईव सिम्प्लीफाइड दिस वेरी मच आई विल जस्ट क्विकली रिपीट पहला चेक करो नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है क्या आपको इसमें स्पेसिफाइड डेट पर फिक्स कैश फ्लो प्रिंसिपल इंटरेस्ट के नाम पर मिलने वाले हैं तो इसका मतलब आपके लिए अमोटाइज कॉस्ट मेथड अवेलेबल हो सकता है तो पहले तो ये बोलो एसपीपीआई टेस्ट मीट हो रहा है फिर देखो आपका इंटेंशन कैश फ्लो लेने का ही है तो एसीएम अगर मैं चाहूं तो क्या एफीपीएल कर सकता हूं इसको वो ऑप्शन सब पे हमेशा अवेलेबल है अगर मैं चाहूं एफ नहीं चलेगा इसमें यानी एस सी एम अ कॉमन ऑप्शन नॉट एफ से तो एसपीपीआई मीट हुआ बिजनेस मॉडल टू होल्ड है नॉर्मली एसीएम ही लेना पड़ेगा चाहूं तो 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 में जा सकते। टेस्ट मीट हुआ बिजनेस है, बेच भी भी, भी सकता हूं, खरीद भी, रख भी सकता खरीद रख पता नहीं आपको तो थ्रू आई, पर सर तो कर सकता अवेलेबल मोस्ट वेलकम बिजनेस मॉडल है ट्रेडिंग करना शेयर्स में एफवी ही कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पी आई टेस्ट मीट ही नहीं हुआ अब क्या करूं बिजनेस मॉडल ट्रेड करना है तो तो आपको एफ वी में डालना ही है पर ट्रेड करना नहीं है तो इक्विटी शेयर खरीदे ट्रेड नहीं कर रहा हूं रखूंगा शायद कुछ समय तक पता नहीं कब बेचूंगा तो एफ वी है पर यहाँ एफ का ऑप्शन दिया है पर वो इन ऑप्शन है और वो भी नॉन रिक्लासिफाइबल है प्रॉफिट कभी भी यहाँ पी एल में रिक्लासीफाई नहीं हो इस तरह से आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा मेथड कब कहां पर यूज करना होगा ध्यान रखना यहाँ पे एफ वी टी पी एल को अगर आप एफ वी एस टी आई अन में ले जाओगे तो वो इनिशियल डेट पर इ रिवोकेबल ऑप्शन की तरह ही यूज़ होगा बाकी सारे केसेज में रिक्लासिफिकेशन आर पॉसिबल दैट इज समथिंग विच यू विल डिस्कस एंड देन वेन वी टॉक अबाउट एस पी पी आई टेस्ट एंड बिजनेस मॉडल वॉट इट मीन्स तो बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है दोस्तों तो ध्यान रखना बिजनेस मॉडल इज नॉट सीन इंस्ट्रूमेंट वाइज इट इज सीन फॉर कमनी एज होल तो कमनी एज ओ होल का इंटेंशन क्या है ये आपको देखना है अगर कंपनी एज ऐसे होल का इंटेंशन है कि कंपनी अपने इंस्ट्रूमेंट्स या उस कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स को लंबे समय तक होल्ड करती है तो फिर बिजनेस मॉडल टेस्ट अपन बोलेंगे इट इज टू होल्ड पर हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम होल्ड ही करेंगे मौका मिलता है तो बेच भी देते हैं कौन सा एक कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो फिर बोलेंगे उसके लिए बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड और सेल पर ये इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट वाइज चेक नहीं करना है यू हैव टू चेक दिस फॉर एंटिटी होल और फॉर दैट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें एक चीज ध्यान रखना अगर आपका इंटेंशन होल्ड ओनली था पर आपने बेच दिया और वो जो आपने बेचा है वो एक्सेप्शनल केस में बिका है तो फिर हम मानेंगे कि आपका इंटेंशन होल्ड ओनली जो है वो बरकरार है नहीं तो अपन आगे पढ़ेंगे नॉर्मली अगर आप होल्ड ओनली को बेचना शुरू कर दोगे ना तो फिर आपको कंपल्सरली शिफ्ट करा दिया जाएगा बट दैट सेपरेट अभी समझो इंटेंशन होल्ड ओनली था मजबूरी में बेच दिया तो क्या मेरा इंटेंशन होल्ड ओनली से होल्ड टू सेल हो जाएगा क्या नहीं प्रोवाइडेड जो बेचा है वो बहुत ही मजबूरी में यानी एक्सेप्शनल केस जैसे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया या मुझे वो कोई मेजर सॉल्वेंसी लिक्विडिटी इश्यूज आ गए इसलिए बेचना पड़ गया या कोई थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया इस तरह के बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस जिस पर्पज़ के लिए वो इन्वेस्टमेंट किया था वो पर्पज़ ही नहीं बचा समथिंग लाइक ऑफ दैट शॉर्ट ठीक है एंड एस पी पी आई टेस्ट मैंने आपको बताया चेक कर लो कि आपके स्पेसिफाइड डेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस आर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट है ये एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है आपको इंस्ट्रूमेंट का नेचर देखना है तो नॉर्मली बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर एस पी पी आई टेस्ट मीट करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट अगर स्टॉक मार्केट से लिंकड है तो ये एस पी पी आई टेस्ट मीट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा एस बीबीआई टेस्ट क्यों क्योंकि आपका इंटेंशन स्पेसिफाइड डेट पर फिक्स प्री डिफाइंड कैश फ्लो लेना नहीं लेकिन अगर रिडिमेबल डिवेंचर्स में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट से आपको ब्याज मिल रहा है तो आप प्रैक्टिकली जो ब्याज ले रहे हो वो भले ही वेरी कर रहा है पर वो वेरी सिर्फ किस लिए कर रहा है ताकि अपन क्या कर सके इन्फ्लेशन रेट से मैच करके रियल टर्म्स में सेम इंटरेस्ट दे सकें यानी रियल टर्म्स में आई एम गिविंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली तो इस केस में हम मानेंगे एस टेस्ट मीट करेगा तो एसपीपीआई टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत अब अपन अगले सेशन में डिटेल में करेंगे बट मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है जिससे अब आप चॉइस ऑफ मेथड तो डिसाइड करोगे कॉस्ट मेथड तो या टी पी ये पूरा डिस्कशन फाइनेंशियल असेट के लिए ज्यादा रिलेवेंट है फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आपके पास चॉइस आज सच होती नहीं है यू हैव टू यूज कॉस्ट मेथड ठीक है तो आज का डिस्कशन अपन यहीं पर क्लोज करते हैं और आगे का डिस्कशन अब अपन अपनी कल की क्लास में करेंगे थैंक यू